श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़, जहां से शुरुआत होती है बच्चे के उज्जवल भविष्य की। श्री कृष्णा स्कूल ने दिए हैं बेहतरीन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सैनिक, वैज्ञानिक, अध्यापक और इसके साथ साथ ही प्रशिक्षित कोच और बेहतरीन खेल सुविधाएं। श्री कृष्णा स्कूल है महेंद्रगढ़ का एकमात्र सेल्स स्मार्ट स्कूल। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो आइए हमारे साथ एक नई शुरुआत के लिए श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें 9017111100, 9416704560। हमारी वेबसाइट है www.sks.edu.in। मैं करमवीर राव, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़, आप सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी क्षेत्रवासियों पर बनी रहे और मैं लक्ष्मी माता से यही प्रार्थना करता हूं कि वो हमेशा आपके धन के भंडार भरे रखे। दीपावली के इस पावन अवसर पर सभी युवा साथियों से और सभी क्षेत्रवासियों से यही अपील करता हूँ कि यह हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार को पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाएं। बी सेफ एंड हैप्पी दिवाली। महेंद्रगढ़ में बहुत विकास कार्य है। नगर पालिका चेयरमैन रीना बंटी ने बताया कि काफी दिनों से महेंद्रगढ़ के रुके विकास कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा और काफी दिनों से महेंद्रगढ़ में सफाई कर्मचारी व टेम्पो चालकों की तनख्वाह रुकी हुई थी, उनको भी धीरे धीरे उनकी तनख्वाह दे दी जाएगी। इसके अलावा हुड्डा पार्क की लाइट एवं पेड़ पौधों का रखरखाव और शहर में अनेकों कार्य जो काफी दिनों से नहीं हो पा रहे थे उनको जल्द से जल्द पूरा करवाने की बात कही। इस पर सभी टेम्पो चालकों ने नगर पालिका चेयरमैन की बात मानकर आज शाम से ही काम पर जाने को कहा और सभी की सहमति से आगे सुचारू रूप से महेंद्रगढ़ का विकास कार्य शुरू करने की बात कही। उन्होंने बताया कि दीपावली के उपलक्ष्य पर शहर में सभी जगहों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, जिससे कि यह दीपावली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा सके और शहर में कोई अप्रिय घटना न घटे। इसमें नगर पालिका की मीटिंग के दौरान नगर पालिका प्रधान रीना बंटी, व पार्षद सुरेंद्र बंटी एवं मनीष सैनी, इसके अलावा नगर पालिका महेंद्रगढ़ के कर्मचारी उपस्थित रहे। मैडम बताइए, जैसे शहर में काफी दिनों से विकास कार्य की गति रुक सी गई है, इसके बारे में बताइए कब तक यहाँ समाधान हो पाएगा और कूड़े कचरे का जो ढेर पड़ा है वो कब तक उठा पाएंगे? देखिए, कूड़े कचरे का तो हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों को 3 महीने के लिए तनख्वाह नहीं मिली थी और टेम्पो चालक है जो ये टेम्पो चलाते हैं उनको करीबन 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आज हमने पूरे हाउस को अपना बिठाया है, सेक्रेटरी साहब से बात की है तो कर्मचारियों की तनख्वाह, सफाई कर्मचारी तो काम पर आ गए हैं, हम जल्द से जल्द सारे कूड़े का समाधान करवा देंगे और टेम्पो चालकों को भी आज आश्वासन देकर कि उनकी 2 महीने की सैलरी फिलहाल मिल जाएगी और आगे जो उनकी पेंडिंग सैलरी है 6 महीने की जो बच जाएगी उनको भी शीघ्र अतिशीघ्र निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं और इस आश्वासन पे वो भी आज काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। आज 12 बजे हैं, अब 1 बजे के बाद अपना टेम्पो चलाना शुरू कर देंगे। तो जैसे कि हुड्डा पार्क में काफी दिनों से लाइटें नहीं चल रही हैं और वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो सूख रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है, किस तरह से उनका रखरखाव कर पाएंगे? नहीं, हुड्डा पार्क की लाइट के लिए भी आज हम बिजली बोर्ड में जाके खुद SDO सर से बात करने वाले हैं। वो कहते हैं कि बिल पेंडिंग है, जबकि हमारे पास उन्होंने कोई भी बिल भेजा नहीं गया है। हम खुद, हमारी नगर पालिका उनसे मांगती है, उन्होंने तो जबरदस्ती के बल में हमारा कनेक्शन काटा हुआ है। अब सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, जो पार्षद हैं सुरेंद्र बंटी पार्षद है, मनीष सैनी पार्षद है और सेक्रेटरी साहब, मैंने उन तीनों को भेजा है। अब वो जाएंगे SDO साहब से बात करेंगे, हमारा भी खुद का बिल पेंडिंग निकलता है, अब उनसे करके हम बिजली को कुड्डा पार्क की बिजली चलवाने का भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी रही पानी सूखने की, तो ट्यूबवेल खराब तो वो हमने चालू करवा दिया। जैसे कि यहाँ पर काफी दिनों से जैसे गलियों का काम है, नालियों का काम है और स्ट्रीट लाइट जो शहर में और नई लगानी है, जैसे कि अपने यहाँ रेड लाइट है जो चौक पे राउत राम चौक पे लगी हुई है, ये काफी दिनों से बंद पड़ी हुई है, ये नगर पालिका के अंदर में आती है, तो इस तरह के विकास कार्य हैं जैसे टेंडर आप बता रहे नहीं खुल पा रहे हैं, इसके बारे में क्या आपका मतलब आगे की क्या रणनीति है? सर, इसमें हमने तो 6 महीने पहले करीबन 2 करोड़ रुपए के टेंडर लगाए गए हैं, अब अधिकारी ना तो उसको खोल रहे, ना रिजेक्ट कर रहे, ना नहीं उनको कुछ काम करने दे रहे। हम बार बार रिक्वेस्ट, हमने हर एक काम के लिए कम से कम अधिकारियों के प्रति 3-4 लेटर निकाले हुए हैं
कि या तो उन टेंडर्स को फॉलोअप करो, चालू करो, या उनको कैंसिल करके दोबारा लगाओ। अब अधिकारियों को मन में पता नहीं क्या है, वो काम किस मंशा से नहीं करना चाहते, या उन्होंने ये ठानी हुई है कि मैं प्रधान का कहना ही नहीं मानना। हम बाय रिक्वेस्ट उन्हें कह चुके, हमने उनके खिलाफ लेटर निकाल चुके, उसके बाद भी आज करीब हर एक जरूरी काम के उसमें स्ट्रीट लाइट का भी और जो जो मेन गली है उनके टेंडर लगे हुए करीबन 2 करोड़ रुपए के हैं, वो 19 टेंडर है। जैसे कि कुछ समय बाद, जैसे भी 4-5 दिन बाद दीपावली का एक त्योहार आने वाला है, किस तरह की शहर में सुरक्षा है और आपको किस में पुलिस प्रशासन को इस प्रकार कोई आपको मैसेज वगैरह भेजा है कि किस तरह की आपको सुरक्षा है करवानी है शहर के अंदर? इसके बाद नहीं, हम पूरा बकायदा पुलिस DSP साहब से मिलेंगे, भारी वाहनों को अंदर जाने के लिए रोकने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हर नाके पे अपना अपना पुलिस तैनात करे ताकि बड़ी बड़ी गाड़ियां शहर के अंदर ना आने पाए, वो बाहर की बाहर से निकल जाए। छोटे व्हीकल बड़ी गाड़ियों की वजह से जाम लगता है। और अपने दिवाली पे चारों अपने चौकों के लिए, जैसे पिछले साल भी हमने लाइट लगवाई थी नगर पालिका में चारों चौकों पर, वो भी व्यवस्था करने की हम पूरी पूरी कोशिश करें। दीपावली के ऊपर अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे दीपावली के उपलक्ष्य में? दीपावली, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको धनतेरस और दीपावली की शुभकामना देना चाहूंगी। और उसके बाद मैं सबसे बस हाथ जोड़कर ये अनुरोध करना चाहूंगी, हम अपनी तरफ से हर एक काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सबको भी दिख रहा है कि हमारा कहना नहीं माना जा रहा है। तो आम जन हमारा साथ दे, हमारे में कमी ना निकाल के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, हम उन्हें अपनी मजबूरी दिखा रहे। जब हम एक मुट्ठी बंद होकर काम करेंगे तो सब अधिकारी भी हमारा कहना मानेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे। आज तक टेंडर ना खोले जाने पे किसी ने भी ये संज्ञान लिया, चाहे उसमें पार्षद आ गए, चाहे उसमें अधिकारी, वो टेंडर 6 महीने से क्यों नहीं खोले? उसमें प्रधान की कमी थी, किसकी कमी थी? जब टेंडर बकायदा लगा दिए गए, उनको फिर खोला क्यों नहीं जा रहा, काम क्यों नहीं हो रहा? इस चीज में आम जनता भी तो हमारे साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करे। और रहे कूड़े के मामले में, तो ठीक है कर्मचारी उठाते हैं, लेकिन आम जन का भी इसमें होना चाहिए कि अपनी अपनी पॉलिथीन या डस्टबिन भर के रख ले, क्योंकि दिवाली पे कूड़ा बहुत होता है। अब टेम्पो भी शुरू हो रहे हैं तो उसमें डाले, ना कि रोड पे। मैं 3 दिन से देख रही हूँ कि जब हड़ताल पे बैठे थे तो रोड पे झाड़ू निकाल के रोड पे सरका देते, इससे अच्छा उन कूड़ों को इकट्ठा करके पॉलिथीन में भर के अपने अपनी दुकान मकान के साइड में रख ले। अगर आम जनता सहयोग करेगी तो हमारा महेंद्रगढ़ स्वच्छता के नंबर पर नंबर 1 आएगा। और हम नगर पालिका में पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखिए हमसे जितना बन पड़ता है, हमने हर एक चीज के हमारे हाथ में जितना होता है हम पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं उस काम को सफल बनाने के लिए। लेकिन आम जनता को भी पता है, सबको पता है कि हमारा कहना नहीं माना जा रहा है। हम उनसे बस यही अनुरोध करते हैं, हमारी प्रार्थना समझ लीजिए, अनुरोध समझ लीजिए, जो भी है हमारा सहयोग करें ताकि हम नगर पालिका में अपना काम सुचारू रूप से चलवा सके, चला सके। छोटी छोटी आंखें कितने सपने देखती हैं, भला किसे हक है इन्हें रोकने का? कितना आसान सफर है ये, बस मेहनत ही तो शर्त है। शुक्र है तेरा जो तू हर कदम साथ रहा, कितने और थे यहां मगर तू ही खास रहा। तू नहीं खुद को खुदी से मिलवाया, मुझे फख्र है इस बात का। जहां बात चली परिणाम की, जिक्र सिर्फ तेरा आया। यदुवंशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आजा तेरी शख्सियत को पहचान बनाते हैं, तुझे तेरी बंसीलों से मिलवाते हैं।